मयूरा अस्थि। ठीक है, तो ये क्या है, एक मयूर है। दूसरा बोला है यहाँ पर, ये क्या दिख रहा है आपको, कबूतर। इमो कबूतर। कौ मतलब ये क्या है, तो ये क्या है, इमो कपोतौ स्तः, मतलब यहाँ पर ये दो कबूतर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, इमो कपोतौ स्तः। तीसरा तीसरा देखेंगे तो क्या लिखा है यहाँ पर, बतख दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इमे के, ये क्या है, ये क्या है, तो इमे वत्कः सन्ति। ये क्या है, वत्कः, बहुवचन में हम बोल रहे हैं क्योंकि एक दो से ज्यादा दिख रहा है, तो इमे वत्कः सन्ति। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये लड़कियां क्या कर रही है, लड़कियां दिखाई दे रही है। इमा कहा, ये क्या है, तो ये इमा बालिका सन्ति, ये सभी बालिका है। मैम, आया, हाँ बेटा। मैंने तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आपने बोला कि ग और ख लिख देना है, मीन्स जो जो हाँ नंबर मैंने ग के सामने यम लिखा है और ख के सामने ऋक्ष लिखा है, मैम उसे मिटा दूँ? नहीं, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक यस मैम। है, ओके। अगला प्रश्न देखेंगे तो क्या लिखा है, उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित पद, आपको यहाँ पर पद दिखाई दे रहे हैं, इनको देखते हुए सिर्फ खालिस्तान में आपको भरना है। ठीक है, तो क्या लिखा है, खालिस्तान आम वृक्ष, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, अयम, क्या लिखेंगे, अयम। पहले वाले में क्या लिखेंगे, अयम, अयम आम वृक्ष। दूसरे में बोला गया खालिस्तान हरिता लता, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इमा, क्या माँ लिखेंगे, इमा। ठीक है, समझ में आया इतना। यस अगला मैम, देखते यस हैं, अगला पेज आपको मैं दिखा रही हूँ। नेक्स्ट पेज पर आपको क्या बोला गया है, देखते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है सरोवर, सरोवर में हम क्या लिखेंगे, अयम, क्या लिखेंगे, अयम सरोवर। खालिस्तान भ्रमरो, तो वहां पर हम लिखेंगे इमो। ठीक है, इग्नोर। औ, औ की मात्रा रहेगी, माइक ऑफ करिए। ठीक है, इमो। उसके बाद आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, अधोलिखित सारणिया के, सारणियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त पदों द्वारा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको पद दिए हुए हैं, तो उसके आपको बनाना है। ठीक है, सारणी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, लिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में इसको बदलना है। शब्द आपको दिया गया है इदम का, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी बनाकर दिया हुआ है, इदम, इमे, इमानी, ये नपुंसकलिंग में होता है। अब आपको शब्द दिया है अयम, अयम का आपको एक वचन द्विवचन बनाना है पुल्लिंग में, तो अयम का क्या होता है, इमाओ और इमे, क्या होता है, इमाओ और इमे। उसी तरह यहाँ इमो, पर ख आपको दिया है एक वचन द्विवचन बहुवचन में आपको सा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, तत् दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले दिया है तत्, ते, तानी, इसको नपुंसकलिंग बोलते हैं। अगला आपको जो दिया था तौ और ते दिया था, पुल्लिंग में बोला गया, तो तौ किसका होता है, सा का, सह, तौ, ते, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो सा ते तहा, क्या आएगा, सा ते तहा। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया अस्मद, अस्मद शब्द की प्रथमा विभक्ति, क्या बनाना है, अस्मद शब्द की प्रथमा विभक्ति। अस्मद शब्द प्रति में क्या बोला गया, यहाँ पर सबसे पहले अहम, अहम, आवाम, और खालिस्तान में क्या लिखेंगे, वयम, क्या लिखेंगे, वयम। मैम, उसके बाद लिखा गया अहम, क्या आएगा, अहम, आवाम, वयम, क्या लिखेंगे, अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है युष्मत शब्द का, युष्मत शब्द की प्रथमा विभक्ति बोला है, तो क्या लिखेंगे, त्वम, युवाम, युयम, क्या आएगा, त्वम, युवाम, युवम। उसके बाद त्वम का, त्वम, युवाम, युयम, मतलब ये दोनों ही आपका एक जैसा चल रहा है। ठीक है, उसके बाद वृक्ष शब्द का देखा जाए, तो वृक्ष में जो शब्द ऊपर लिखा है वही वृक्ष, वही उसी को आपको दोहराना है, वृक्षा, वृक्षो, वृक्षा, वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा, फिर से वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा। उसी तरह लता का देखेंगे हम, तो लता, लते, लताहा,
लता लते लताहा, लता लते लताहा। समझ में आया लता शब्द की प्रथमा विभक्ति क्या होती है? लता लते लताहा। वृक्ष शब्द की प्रथमा विभक्ति वृक्षा वृक्षो वृक्षा। और युष्म शब्द की प्रथम विभक्ति त्वम युवाम युयम। ठीक है, उसी तरह अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति अहम आवाम वयम। समझ में आया आपको इसके अभ्यास प्रश्न? यस ठीक है। यस और मैम अस्मत् शब्द की जो विभक्ति है उसको मैंने लिखवाया भी था, शायद टेस्ट में भी दिया था आप लोग को क्या? नो मैम अच्छा, शायद 8th वालों को दिया था मेरे ख्याल से। अस्मत् शब्द की आपको कारक रचना लिखने के लिए भी मैंने 8th वालों को दिया है। तो आप लोगों को इस तरह से इस पाठ का अभ्यास कार्य सभी को अच्छे से समझ में आ गया? यस इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है? मैम नो मैम नहीं पूछना। सबको अच्छे से समझ में आया, याद हो जाएगा सबसे? ओके। अगला जो पार्ट है वो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा पार्ट है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसके पहले भी हम पंडित जवाहरलाल नेहरू पार्ट को पढ़ चुके हैं, है ना? पढ़ा है ना हमने इसके पहले भी? यस मैम यस मैम। तो कल जब हमारी क्लास होगी तो सबसे पहले मैं आपसे पंडित जवाहरलाल नेहरू पार्ट का सारांश अपने शब्दों में आप लोग मुझे सुनाएंगे, ठीक है? यस मैम यस मैम। अपने शब्दों में मतलब कि आपको इस पार्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू पार्ट में क्या क्या पढ़ाया गया था, तो उसको आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, ठीक है? और जैसे हम ओरली याद करते हैं ना, तो आपका ओरली याद होना चाहिए कि आपको इस पार्ट में आखिर यदि आपसे कोई पूछता कि इस पार्ट का सारांश आप अपने शब्दों में बताइए तो आप किस तरह से बताते, ठीक है? कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, ठीक है? फिर उन्होंने इस भारत देश के लिए क्या क्या काम किए, कब क्या उनको उन्होंने किया, तो ये सभी चीजों को आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ करिए। समझ में आया? तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पार्ट का आपको क्या करना है, सारांश जो है वो याद करके मुझे कल सुनाना है, ठीक है? आप मुंह जबानी मुझे इस याद करके कल सुनाएंगे, उसके बाद मैं इस पार्ट को आपको एक्सप्लेन एक बार और कर दूंगी, यस ठीक? मैम यस मैम यस मैम। पार्ट 13 से किसी को कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं पूछना? नो मैम। हाँ, तो पार्ट 13 आपका हो चुका है, तो इसको आप याद करिए, ठीक है? इसके सारे अनुवाद प्रश्न उत्तर जो भी हैं वो सब आपको याद होना चाहिए, यस मैम यस ठीक मैम। है? किसी को कोई डाउट नहीं कुछ? नो मैम नो मैम। ओके ठीक है, तो फिर हम मीटिंग लीव करते हैं। कल के लिए आप लोग सब प्रिपेयर रहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पाठ को सारांश याद बोलने के लिए, ठीक है? यस मैम यस मैम। यस।